वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल में पिछले 4-5 सालों से उत्तरी भारत की पहली और विश्व की आधुनिकतम वाइटल बीम लीनियर एक्सीलेटर में 10xFFF की सुविधा को रैपिड एआरसी के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिताभ सतपति, निधि और सरगुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस सॉफ्टवेयर की सुविधा को जोड़ने के बाद ब्रेन के छोटे से छोटे कैंसर की रेडिएशन सर्जरी की जा सकती है। साथ ही बताया कि इस सॉफ्टवेयर के सम्मिलित होने से ये मशीन साइबर नाइफ से ज़्यादा सुरक्षित और प्रेशियस हो गई है। इसमें कैंसर के इलाज करने का समय 2 से 3 मिनट लगता है, जबकि साइबर नाइफ से इलाज किया जाता है तो टाइम कई गुना ज्यादा लगता है। साइबर नाइफ से होने वाले कैंसर ट्रीटमेंट में शरीर के बाकी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि रैपिड एआरसी 10xFFF फैसिलिटी के साथ इलाज करने में शरीर के बाकी अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता और यूनिफॉर्म डोज के साथ डिलीवरी होती है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केएमसी के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने इस बारे में क्या कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो यह है कि एक तो 3-4-5 सालों से जब से हम लोगों ने कैंसर संस्थान को शुरू किया है, वो शुरू होने के कुछ समय 1-2 साल बाद कोरोना का समय चला और हम लोग थोड़ा जनमानस से थोड़े दूर हो गए। हमारे यहाँ जो डेली गतिविधियाँ कैंसर की चल रही थी या हम लोग इलाज कर रहे थे, इस बीच में कैंप भी नहीं लग पाए कोरोना टाइम में, और इसके साथ साथ एक थोड़ा सा गैप हो गया था समाज के साथ। एक तो गैप हमें पूरा करना है था, ये हमारा उद्देश्य था। नंबर दो बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले हमारी जो मशीन है वेरियन, जो नॉर्थ इंडिया की पहली इतनी एडवांस मशीन वेरियन ने लगाई थी, वो इंडिया में दूसरी थी, उत्तरी भारत में पहली थी, उसमें एक नया सॉफ्टवेयर 10xFFF वेरियन कंपनी जिसने मशीन बनाई है, दुनिया की मोस्ट यूजर फ्रेंडली कंपनी है रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनते हैं ये इक्विपमेंट, तो उन लोगों ने इसमें 10xFFF ऐड किया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो छोटे छोटे ट्यूमर्स की रेडिएशन सर्जरी के लिए और जो एक कम सिटिंग्स में डोज को मॉनिटर करके मोस्ट प्रिसाइज ट्रीटमेंट देती है और जो हमारे नॉर्मल ऑर्गेन्स हैं उनको टच नहीं करती है, कम समय में देती है और एनर्जी जितनी हमको चाहिए उतनी देती है। ये सॉफ्टवेयर वाइजन ने डाला है तो एक नया कौन चीज़ आसपास आजकल जो जिसकी थोड़ी चर्चा है वो साइबर नाइफ है। साइबर नाइफ एक बहुत पुरानी टेक्निक है और कुछ जगह डिसमेंटल हो चुकी है। साइबर नाइफ में कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है जो रैपिड आर्क 10xFFF से ऊपर हो, बल्कि ये जो 10xFFF रैपिड आर्क है ये वो सब काम कर सकता है जो साइबर नाइफ में नहीं होते हैं। साइबर नाइफ में जैसे डॉक्टर ने बताया समय भी काफ़ी लगता है 30-35 मिनट और उसका जो फील्ड है वो भी इससे बहुत कम है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और वो यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है। जो हमको रेडिएशन की डोज देनी है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, वो एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है, उससे नॉर्मल ऑर्गेन्स को भी नुकसान होता है और वो सही कॉन्सेप्ट भी नहीं है। साइबर नाइफ उस समय हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जब लीनियर एक्सीलेटर या रेडियोथेरेपी के जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत प्रिमिटिव थे, जैसे कोबाल्ट जो आज भी लगा हुआ है कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अब इतनी एडवांस लिनक्स हैं, ट्रू बीम है, उसके बाद वाइटल बीम आई, रैपिड आर्क है, इनके साथ इन तरह के इक्विपमेंट साइबर नाइफ इनका कोई भी रोल नहीं रह जाता। तो हमें अपने शहर अपने आसपास दूर दूर तक जो भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको ये आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो वाइटल बीम लीनियर एक्सीलेटर केएमसी कैंसर संस्थान में है, इसमें हर कैंसर का इलाज मोस्ट प्रिसाइज तरीके से इकोनॉमिकली होता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और जो हमारे सामान्य अंग हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता। सर क्या रीज़न है कि फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में ज़्यादा है कैंसर के मरीज? ये लाइफ स्टाइल इंडिया का ऐसा है, हम लोगों का जो आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं अगर हम देखा जाए हाइजीनिक कंडीशंस या अनएजुकेशन, हम जो अशिक्षित वर्ग है वो चीज़ों का सेवन अनलिमिटेड करता है, जैसे तंबाकू, वाइन, अगर पेशेंट को देखा जाए तो वो तंबाकू भी नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं करते हैं, तब भी वो कैंसर होता है। उसका कारण है लाइफ का स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हमारी सोशल लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सेफ्टी है, सोशल सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी है,
उस वो जो एक रेगुलर स्ट्रेस व्यक्ति में रहता है और उसकी डेली रूटीन लाइफ को इफेक्टेड करता है। इंडिया फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले पीछे है कैंसर का इलाज करने में? नहीं, हम लोग कैंसर का इलाज करने में बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन कैंसर के मरीज का जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो फॉरेन से थोड़ा अलग है। कैसे? वो इसलिए कि हमारी जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, ड्रेनेज हैं, गंदगी है, हम लोग को शिक्षित नहीं है। हम लोग पान तम्बाकू खा रहे तो खा ही रहे हैं, पान मसाला खाते तो चबा ही रहे हैं उसको, या हम लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, जहाँ पे जैसे कैडमियम है, इस तरह की चीज़ें हैं, या अनवांटेड इरिटेशन है किसी चीज़ का, ये सब चीज़ें अनएजुकेशन की वजह से यहाँ ज़्यादा है। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।